एआई के बारे में ज़रा रिसर्च चालू है मेरा, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो क्लेरिकल जॉब्स है वो रिप्लेस होंगे, लेकिन जो मैनुअल लेबर है, खड्डा खोदना ये वो एआई अभी नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि करने का तरीका बदलना पड़ेगा। डिश वॉशर, मतलब अभी जो प्लेट धोने का काम करता है, प्लेट अलग अलग होती है हर एक इसमें, तो एआई को कॉम्प्लेक्स होगा, वो आदमी को आसान होगा। लेकिन डिश वॉशर है जिसमें पानी डालते हैं, डिश डालते हैं और ऑक्सीजन बबल निकलता है और कचरा साफ हो जाता है, तो डिश वॉशिंग का तरीका बदलना पड़ेगा, दैट्स इट। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बहुत सारे 3D प्रिंटर्स आए घर बनाने के, इवन इंडिया का भी एक 3D प्रिंटर है जो घर बना के देता है सस्ते में, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत ही नहीं है, 3D प्रिंटर घर डायरेक्ट प्रिंट करेगा। और वैसा मैसिव लेवल पे प्रोडक्टिविटी होगी, कम आदमियों में ज़्यादा काम होगा। जो प्रोग्रामिंग जॉब्स है वो फिलहाल के AI टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं होगी। एनिमेटर, म्यूजिक क्रिएटर, उसका वैल्यू रहेगा। वीडियो गेम मेकर, उसका भी वैल्यू रहेगा, क्योंकि सारे जो टूल्स है उसको ChatGPT, स्टेबल डिफ्यूजन ऐड किया हुआ है प्लगइन। इवन माइक्रोसॉफ्ट वो जो डेवलपमेंट टूल है वेब डेव, उसमें तुम गूगल गिटहब को पायलट डाल के कोड लिखने से पहले ही वो सब कुछ लिख देता है। फंक्शन तुम कमेंट मारोगे, फंक्शन ऐसा चाहिए वो लिख के देता है। ChatGPT और गूगल को पायलट, गूगल नहीं, गिटहब को पायलट मिक्स करेगा, वेब डेवलपमेंट फटाफट होगा। 80-90% कोडिंग अभी AI से ही होता है। अभी देखो, मैंने 3-4-5 साल पहले क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, पर वो काफ़ी हेवी लिफ्टिंग है, मैं कर नहीं पाया। प्रोग्रामर थे और काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर थे, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए क्योंकि एरर आते थे और वो फिक्स करने को जमा नहीं। अभी ChatGPT यूज़ करके आई कैन लॉन्च माय क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उतना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कोड काफ़ी है वो, तो ChatGPT से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है मैं सिंगल अकेला, इतना इजी हो गया है वो। फिर भी काम है, आखा दिन बैठना पड़ेगा। और लाइक अभी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, तो पकड़ो 1 महीना जाएगा, पर आखा दिन का काम है वो। और ये पैसा कमाने का अच्छा मौका है, क्योंकि अभी एनिमेटर है वो एक इमेज बनाएगा, एनिमेशन देगा, ब्लेंडर के टूल्स है एनिमेशन का, AI है, मेटा AI भी है, मतलब मैं बोलेगा मेरा फेस का उधर स्क्रीन कैप्चर होगा, एक डिजिटल अवतार लेगा और उसका मेरा फेस के साथ सिंक करेगा, मैं हंसेगा तभी वो हंसेगा, मैं ऐसा आग करेगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन उस पर रिफ्लेक्ट होगा। और वही ये जो वर्चुअल पॉन है चैटुरबेट, उसमें कार्टून सेक्स ज़्यादा बिकता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे पहले, शिशु मीना रोबिता, शिशु मानो देखने वाले, दे वॉन्ट टू सी उनका पॉन, शिशु मानो का पॉन, और वो ज़्यादा बिकता है क्योंकि वो अभी बड़े हो गए, बट दे ग्रू अप फैंटिसाइजिंग शिशु मानो और वो जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, और वो ऐसे बनते हैं वीडियो कि कैमराज ऐसा फोकस रहता है और एक टूल रहता है उसमें तुम्हारा बॉडी का एक्सप्रेशन वो मेटा कैरेक्टर के साथ सिंक्रोनाइज होता है और वैसा वीडियो बनता है और वैसा BP भी बन रहा है। और
ये एक मतलब एक अच्छा खासा मौका है पैसा कमाने का, बट इट विल रिक्वायर ए स्टूडियो एंड सम टेक्निकल नो हाउ, कैमरा सेटअप, बस आदमी कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई औरत लगेगा, आदमी भी कर सकता है, वर्चुअल है वो, कैरेक्टर दिखेगा, तुम नहीं दिखोगे उसमें। ये एक मौका है और लोग एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर रहे हैं स्टेबल डिफ्यूजन यूज करके, कैरेक्टर सीरीज बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट कैरेक्टर्स, यूनिक कैरेक्टर्स। ब्लेंडर में मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन ऐड किया हुआ है प्लगइन, और उससे काफी फटाफट एनिमेटेड कैरेक्टर्स बना के एक स्टोरी लिख सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। प्लस हाँ, मेन तो वीडियो गेम्स में ये लोग ने बहुत सारे इंजिन्स डाले हैं जिसमें एकदम रियल लगता है। अभी उसमें AI इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं मालूम नहीं, तो उसमें भी चैट GPT और स्टेबल डिफ्यूजन इंटीग्रेट होगा या मिड जर्नी का प्लगइन इंटीग्रेट होगा, तभी वीडियो गेम कैरेक्टर्स बनाना आसान होगा और उसको एनिमेशन भी AI देगा, तो बहुत सारा काम कम हो जाता है। वीडियो गेम बनाना इट टेक्स लॉट ऑफ मैन आवर्स, बड़ी की बड़ी टीम रहती है और वो टीम 15 घंटा काम करती है। मेरा एक दोस्त था, एनिमेटर था, लाइक पकड़ो 2005 के टाइम, और वो लाख रुपए सैलरी था और वो घर पे नहीं जाता था, कपड़ा बिस्तरा लेके ऑफिस पे आने का ऐसा था। और उसने जो राम का पिक्चर है, स्वयंवर और रावण भी है उसमें, एनिमेटेड पिक्चर, बड़ा बजट का पिक्चर था वो पिक्चर में उसने काम किया कैरेक्टर बनाने का, और 12-15 घंटे का काम था वो, इतना काम था वो एनिमेशन, एक एक कैरेक्टर क्रिएट करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। विथ AI इंटीग्रेशन इट विल बी इजी, और जो एनिमेटर्स है वो लाइक साल भर का काम 1 महीने में हो जाएगा, इतना टाइम फ्रेम कम होता है। और जो बैकग्राउंड्स है वो भी क्रिएट होके मिलेंगे, मतलब अभी जैसा पबजी में था, पर्वत पे फाइटिंग, स्नो पे फाइटिंग, समुंदर पे फाइटिंग, जंगल में फाइटिंग, सिटी में फाइटिंग, वो थीम जो रहता है वो AI क्रिएट करके देगा, तुमको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको आता नहीं वो कर पाएगा। अभी मैं कोडिंग का कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को कोडिंग आता है। यूनिटी 3D मैंने यूज़ किया ही नहीं, तो यूनिटी 3D में मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पहला सीखना पड़ेगा यूनिटी 3D, ब्लेंडर सीखना पड़ेगा, कैरेक्टर बनाने का सीखना पड़ेगा, वो टूल्स यूज़ करते आना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ सकता है। और ये सेम चीज़ म्यूज़िक में भी हो रही है, सॉन्ग राइटिंग तो आसान हो गया है, म्यूज़िक क्रिएशन, म्यूज़िक वीडियो क्रिएशन ये भी काफ़ी आसान हो गया है। फिर भी म्यूज़िक का अंडरस्टैंडिंग लगेगा, थोड़ा कोरस और ये थोड़ा मतलब चेंज मैनुअल करना पड़ता है। वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो सब अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं है। वो म्यूज़िक के टोन्स बना के देता है, इमेज बना के देता है, और उसमें तुम एडिट विडिट करके अपने हिसाब से टोन बना सकते हो, लेकिन वो टूल्स का अंडरस्टैंडिंग लगेगा, एडिटिंग लगेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं बना सकता है क्योंकि मेरे को वो टूल्स करने यूज़ करने नहीं आते, वो सीखने के बाद बना सकते हैं। तो अभी जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, दे कैन लर्न दिस टूल्स एंड क्रिएट इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स लाइक वीडियो गेम्स, वेबसाइट, AI भी बना के देता है वो, और म्यूज़िक वीडियो, एनिमेटेड वीडियोज़, नॉवेल लिख सकते हो। और अफकोर्स हाई लेवल पे जाओगे तो केमिस्ट्री बना सकते हो, मेडिसिन बना सकते हो, अलग टाइप के प्रोटीन बना सकते हो। ये जो AI है ये ह्यूमन कैपेसिटी इंक्रीज करता है, 1000x करता है। ये AI इज नॉट मेंट टू रिप्लेस ह्यूमंस,
लेकिन आगे वाले AI कैसे बनेंगे वो आने वाले टाइम में समझेगा। और बहुत सारे नए आर्किटेक्चर बन रहे हैं AI, और ऐसा हो सकता है कुछ आर्किटेक्चर आए जिसमें सब कुछ चेंज हो जाए। ये जो ट्रांसफार्मर मॉडल है ये सबसे बड़ा इनोवेशन है। इससे वो जो AI मॉडल है वो आदमी जैसा बात करता है, बेसिकली मैथ्स की कैलकुलेशन करता है अंदर, और जो वो आउटपुट देता है इट इज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक, मिमिक करता है वो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ही अंडरस्टैंड द कंटेंट और किस बारे में बात कर रहे हो और वो हिसाब से वो हेल्प करता है। कोई आदमी ऐसी हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान ही नहीं रहता है और ऐसा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और ऐसा जो वो आंसर्स देता है उससे काफ़ी चेंज आएगा। यह एक्चुअली पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा मौका है। और जो लोग सरकार से डर रहे हैं टैक्स से, ये लोग नहीं रहेंगे। सरकार आने वाले टाइम में, चलो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन रहा है, इसमें ये लोग मोबाइल फोन में ही और कंप्यूटर में ही AI डालने वाले हैं कि अगर तुम गलत फोटो अपलोड किया कंप्यूटर में या कोकेन बिकेन लिया तो जो AI है उसको स्कैन मारेगा, और तुम गलत चीज़ कर रहे हो तो बिफोर इंक्रिप्शन वो इंक्रिप्ट पहले चेक करेगा, बाद में इंक्रिप्ट करेगा। और तुम कुछ गलत चीज़ कर रहे हो अपने कंप्यूटर में या जो इनको नहीं चाहिए वो सरकार को रिपोर्ट करेगा। और ये एप्पल कर रहा है, इसलिए एप्पल का फ़ोन मत लो, सैमसंग भी करता रहेगा। इसलिए मैं सादे चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन लेता हूँ। मेरे पास 2 एप्पल थे लेकिन एप्पल ने चीटिंग की, मेरे मोबाइल में सब फोन सब ऐप पे मास्क आ गए, जबकि मेरे को मालूम था और मैंने ऑटो अपडेट बंद किया था, फिर भी कुत्ते कमों ने सिक्योरिटी अपडेट में तुमने ऑटो अपडेट बंद किया रहेगा तो भी अपडेट होता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, और ऐसा करके मेरा सारा ऐप पे मास्क आ गया। तो काय के लिए मैं लाख लाख रुपए का मोबाइल ख़रीदा, इसलिए मैं 15-20 हज़ार का मोबाइल ख़रीदता हूँ, और ये 15 हज़ार का ही मोबाइल है और ये इट इज़ एज गुड एज एप्पल। चलो वो डम फोन ही ख़रीदना चाहिए बट फिर उससे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एप्पल और ये सैमसंग मिल के एक सर्वेलेंस ग्राउंड लेवल पे हर एक इंडिविजुअल पे होने वाला है, और सरकार इनकी मदद के बगैर नहीं चलेगी। और जब सरकार इनकी ऊपर डिपेंडेंट रहेगी तो ये लोग सब कंट्रोल करेंगे, किसको हटाने का किसको बिठाने का, और ये टेक्नोक्रेसी का ओवरटेक है और ये हो रहा है। ये पॉलिटिशियन, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये लोग को लगता है अपने को बना के देंगे, घंटा तुमको बना के देंगे और इनको गुला राज करने देंगे आम पब्लिक, इनको कुछ नहीं, इनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाएगा बट अल्टीमेट कंट्रोल ये कॉरपोरेट कंपनीज का रहेगा, क्योंकि AI उनका है। तुम्हारे पास क्या है, सब कुछ उनका है, तुम्हारे पास एक बड़ा पिछवाड़े वाला अदानी है, अनपढ़ गवार ब्याज पे खेलने वाला, जिसको सारे कॉन्ट्रैक्ट देके ज़बरदस्ती अमीर बनाया जा रहा है जबकि उसमें कुछ भी टैलेंट नहीं, धंधा चलाने नहीं आता है, बनिया है चूतिया बनिया है, और ऐसे चूतिया लोग को सर पे बिठा के रखा है ये अनपढ़ गवार चाय वाले ने। कोई नहीं है इधर इंडिया में, ये गोरे लोग का ही राज होगा आने वाले टाइम में, दैट विल बी थ्रू कॉरपोरेट गवर्नेंस और ऐसा AI टेक ओवर।